तार अंसारी और अतीक अहमद की संपत्ति की जांच करेगी। एक बड़ी जानकारी इससे जुड़ी मिल रही है, जब्त करने की तैयारी है। दरअसल ईडी मुख्तार अंसारी के साथ और अतीक अहमद के 12 बैंक खातों की जांच कर मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत जुटा रही है। जाहिर तौर पर यह मुश्किलें बढ़ाने वाली खबर है मुख्तार और अतीक अहमद के लिए। मुख्तार और अहमद के 7 बैंक खातों की पड़ताल करेगी, वहीं अतीक अहमद के 12 बैंक खातों की पड़ताल करने की तैयारी की जा रही है। मामला पूरा मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है, जिसके सबूत जुटाने का काम ईडी कर रही है। संजय त्रिपाठी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। संजय, क्या है पूरी खबर? और वही माफिया पर उत्तर प्रदेश सरकार कार्रवाई कर रही है, दोनों से अलग अलग एजेंसी उनके उन पर शिकंजा कसने की कार्रवाई कर रहे हैं। उनके खिलाफ जो मुकदमे थे उन पर कार्रवाई हो रही है। दोनों ही इस वक्त जेल में बंद है। अतीक अहमद साबरमती गुजरात में बंद है, जबकि मुख्तार अंसारी बांदा की जेल में बंद है। और इन दोनों की अवैध संपत्तियां जो इन्होंने सरकारी संपत्तियों को कब्जे में लेकर के कमाई है या अन्य स्रोतों से जिनको इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है, उससे जो इन्होंने कमाई की है उसका पूरा ब्यौरा ईडी खंगाल रही है। लंबे समय से ही कार्रवाई चल रही है, दोनों ही माफिया से पूछताछ जेल में जाकर के ईडी ने की है। कई घंटे तक उनसे बातचीत की और उनकी कंपनियों का जो ब्यौरा है, जो उसकी कमाई आय व्यय का पूरा डिटेल है, उसके बारे में इनसे पूछा गया है, लेकिन कोई सटीक जवाब नहीं मिला है। तो ऐसे में जो 12 खाते अतीक अहमद के हैं और 7 बैंक खाते मुख्तार अंसारी के हैं, इसमें जो पैसे का ट्रांजेक्शन हुआ है उसको लेकर के ईडी ने कई सवाल जवाब किए हैं। लंबी सवालों की फेरी थी जो इनसे पूछा गया, लेकिन फिलहाल कोई ईडी को समुचित जवाब नहीं मिला है। तो ऐसे में जो प्रवर्तन निदेशालय है वो अगली कार्रवाई करेगा, इनकी जो ये संपत्तियां हैं उनको जब्त करने की कार्रवाई करेगा। और इसके लिए जो कंपनियां हैं अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी की, उनका पूरा ब्यौरा निकाला जा रहा है। वो संपत्तियां कहाँ कहाँ है, कौन कौन सी फर्मों पर ये ट्रांजेक्शन हुए हैं, उसको लेकर के बहुत जल्द। संजय त्रिपाठी, आप इस खबर पर नजर बना के रखिए, जो भी अपडेट होगा संजय त्रिपाठी के जरिए। सबसे पहले आप एबीपी न्यूज पर देखेंगे तो अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी पर अब ईडी शिकंजा कसने की तैयारी में है। ABP News, आपको रखे आगे।